बगहा अनुमंडल के रामनगर ढोकनी दून में शिक्षकों के ससमय विद्यालय नहीं आने से अभिभावक हुए आक्रोशित। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावक भी शिक्षकों के विरुद्ध खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। दून क्षेत्र में खुला शिक्षा की पोल, सरकार की सर्वांगीण विकास पर उठी अंगुली, शिक्षकों की दबंग गई चरम सीमा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा पत्र। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार भले ही शिक्षा के क्षेत्र में लाख दावे कर ले, परंतु अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बगहा अनुमंडल के रामनगर प्रखंड के ढोकनी दून स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की शैक्षणिक विकास हो सके। ढोकनी पूर्वी दून के शिक्षकों के दबंगई से छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावक भी परेशान हैं। बच्चों की सर्वांगीण विकास व उज्जवल भविष्य व सुनहरे पल की सपने को जहां साकार करने के लिए बिहार सरकार कृतसंकल्पित है, तो वहीं ढोकनी दून में बच्चों की समुचित विकास की परिकल्पना देखा जा सकता है। उक्त विद्यालय के प्रधान शिक्षक से लेकर सहायक शिक्षक भी हमेशा नदारद रहते हैं। शनिवार को जब विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुँचे तो छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावक भी नाराज होकर आक्रोशित हो गए तथा शिक्षकों के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया, जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण, अनुमंडल पदाधिकारी बगहा समेत बीडीओ व सीओ से शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भूप नारायण महतो, रामचंद्र मुंडा, लीलाधर महतो, रमेश महतो, पन्ना लाल मुंडा, सुरेश महतो, संगीता देवी, ललिता देवी, सुमन देवी समेत सैकड़ों की संख्या में शामिल प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि रापरा विद्यालय ढोकनी पूर्वी दून में पदस्थापित शिक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव, जो सन 2009 से ही लगातार पदस्थापित है तथा वे साल में 26 जनवरी व 15 अगस्त को ही विद्यालय में झंडोत्तोलन के लिए आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी है, उनके अनुपस्थिति के कारणों को ग्रामीण पूछते हैं तो वे भड़क जाते हैं तथा धमकी देते हुए अपने वरीय पदाधिकारियों की धौस ग्रामीणों को दिखाते हैं कि विरोध करने पर ग्रामीणों के विरुद्ध उप बैठे अधिकारियों से कार्रवाई कराने की धमकी भी देते हैं। दूसरे शिक्षक प्रेम किशोर महतो भी है, जिनकी मिलीभगत प्रधान शिक्षक से है। लोगों ने बताया कि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी विद्यालय की जाँच करने आते हैं तो दोनों शिक्षक विद्यालय में आ जाते हैं। उन्होंने दोनों शिक्षकों के विरुद्ध अभिलंब कार्रवाई करने की मांग शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण से करते हुए उक्त दोनों शिक्षकों को विद्यालय से तबादला करने की मांग की है, ताकि दोनों क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हो सके। न्यूज 9 टाइम्स। प्रखंड रामनगर, हम लोग का बीआरसी रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण, अनुमंडल बगहा, बिहार के निवासी हैं और ये जंगली ग्रामीण इलाके में हम लोग निवास करते हैं। ये दोनों क्षेत्र है। इस स्कूल में हम लोग दो गांव के जो ग्रामीण हैं इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस स्कूल में पूर्णतः भ्रष्टाचार हो रहा है। इस स्कूल से हम लोग बिल्कुल, हम ग्रामवासी क्षुब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पे पदस्थापित चार टीचर हैं। एक हो गए चंद्र किशोर महतो, दूसरा संजय कुमार श्रीवास्तव, तीसरा संतोष कुमार यादव और चौथा शिक्षिका फुलवंती देवी है। हमें दो टीचर से शिकायत नहीं है, लेकिन दो टीचर जो चंद्र किशोर महतो और संजय कुमार श्रीवास्तव हैं, वो पूर्ण रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2009 में संजय कुमार श्रीवास्तव ज्वाइन किए और उस दिन से आज तक उन्होंने मात्र साल में दो बार आया है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। और दूसरी बात, जब भी जांच यहाँ पे आती है तो वो जांच अधिकारियों के साथ आते हैं और फोटो खिंचवा के उन्हीं के साथ चले जाते हैं। जो यहाँ पे प्रभारी हैं चंद्र किशोर महतो जी, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। अतः हम लोग ग्राम जनता इन टीचरों से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। आज हम 2009 से उस टीचर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बातों को ऊपर कोई जाने नहीं देता है, उसको दबा दिया जाता है। अतः हम गांव वाले एक निश्चय किए हैं आज इस स्कूल में इकट्ठा होके 10 दिन के अंदर, आज 19 तारीख है, अगर 10 दिन के अंदर 29/7/2024 के अंदर इस दो टीचर पे कार्रवाई के साथ साथ अगर तबादला नहीं हुआ, कार्रवाई के साथ जो आज तक इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, कार्रवाई के साथ अगर इनका तबादला नहीं हुआ तो हम पूरे ग्रामवासी, देख लीजिए यहाँ पे हमारा बच्चा इसमें पढ़ता है, सब पूरे ग्रामवासी मिल के 30 तारीख से हमारा बच्चा यहाँ पे आना बंद कर देगा, क्योंकि भ्रष्ट स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। हम लोग 2009 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, सब के सब दबा दिया जाता है। आप सोच लीजिए,
जो शिक्षा पदाधिकारी हैं बड़े 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 ओहदे पर बैठे हुए हैं, आपने कई नियम लगाए शिक्षकों को प्रेजेंट होने के लिए, लेकिन आपकी आंख में धूल झोंक दिया जाता है। यहाँ पे जांच अधिकारी के साथ संजय कुमार श्रीवास्तव आते हैं, हाजिरी बनवा के फिर उन्हीं के साथ चले जाते हैं। इसलिए हम लोग अब लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं महोदय। अब 30 तारीख 30 7 2024 तक अगर इन लोग का तबादला कार्रवाई के साथ अगर नहीं होता है तो इस स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। हमारे लिए या तो दूसरा स्कूल की व्यवस्था किया जाए या इस टीचर का तबादला किया जाए कार्रवाई के साथ। हम लोग ग्रामवासी यही चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। हाँ, बात सही है, आपने जो भी कुछ कहा है ये स्कूल के टीचरों के बारे में, तो इसमें जो